क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए मैन बायज रुपीज 75 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड. यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 20%. मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें डिस्काउंट ऑफ है तो इसका मतलब कि कंपनी को लॉस हुआ है, उसके शेयर की कीमत अब घट गई है. पहले 75 रुपीज़ थी, अब 15 रुपये घट गई है, तो 75 माइनस 15 60 रुपीज़ अब उसके शेयर की वैल्यू हो गई है. तो यहाँ पे अब हमें तीन चीज़ निकालनी है, द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स एंड द एनुअल इनकम एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट परसेंटेज. तो पहले हम लोग लिखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ पता है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमको मालूम है नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 75. सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 75 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पे एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 15 है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा. तो हमें मार्केट वैल्यू आपकी शेयर की हो गई अब 60 रुपीज़. यहाँ पे पूछ रहा है अब मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, हमें एक शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू पता चल गई है 60 है, तो 120 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी. सो मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स इज इक्वल टू 120 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 6 2 12 1 कैरी गया, 6 1 6 कैरी 1, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स हो गया रुपीज़ 7200. ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया. सेकंड पार्ट पूछ रहा है एनुअल इनकम कितनी है. एनुअल इनकम का फॉर्मूला सेम वही, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 120. नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है ये 75. रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है आपको 20% का, तो 20/100 इसको सॉल्व करेंगे. ट्वेल्व इंटू 75 इंटू 2, तो 12 इंटू 150. कैलकुलेट होके आएगा रुपीज़ 1800. तो उसको एनुअल इनकम हुई रुपीज़ 1800 की. ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. अब थर्ड पार्ट पूछ रहा है हिज प्रॉफिट परसेंट कितना है. प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%. तो इनकम अभी हमने निकाली रुपीज़ 1800 की, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था जब हमने पहले निकाला था मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स की 7200, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 7200 इनटू 100%. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आएगा, 4 को इससे कट करेंगे 25, तो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया.